subscribe to Sonic Octave's Kids channel and press the bell icon to watch new cartoon videos. कहानी का नाम है लोमड़ी और सारस। एक जमाने की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। एक बार भाग्यवश उसे एक प्राणी का मांस खाने को मिल गया। वह उसी जगह पर बैठकर वह मांस खाने लगा। मांस तो बहुत था, पर वह लोमड़ी किसी के साथ भी अपना खाना बांटना नहीं चाहता था, क्योंकि वह बहुत स्वार्थी था। जल्दबाजी में खाने की वजह से गड़बड़ाहट में एक छोटी हड्डी उसके गले में अटक गई। उसने उस हड्डी को निकालने की बहुत कोशिश की, ना तो वो हड्डी निगल पा रहा था, ना तो गले से निकाल पा रहा था। वह बहुत अस्वस्थ महसूस कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। जैसे जैसे वह गले से हड्डी निकालने की कोशिश करता गया, वैसे वैसे वह हड्डी उसके गले में और फंसती गई। वह डर गया और वह सोचने लगा, अरे ये हड्डी तो मेरे गले में फंसती ही जा रही है, अब मैं उसे बाहर कैसे निकालूंगा। उसे सोचते सोचते एकदम से याद आया कि उसका दोस्त सारस, जो नजदीक के तालाब के पास ही रहता था, वह शायद उसकी मदद कर सकता है। उसने सोचा, हाँ यही ठीक रहेगा, सारस के पास लंबी चोंच है जिससे वह मेरे गले में फंसी हुई हड्डी को बड़ी आसानी से निकाल पाएगा। वह लोमड़ी सारस के पास चला गया और उसे बोला, अरे अरे मेरे दोस्त, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, क्या तुम कृपा करके उसे मेरे गले से निकाल पाओगे, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। उसकी बातें सुनकर सारस ने उसके लंबी चोंच से लोमड़ी के गले में से फंसी हुई हड्डी बाहर निकाल ली। और फिर सारस ने लोमड़ी से कहा, मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारी जो मदद की है, उसके बदले में क्या तुम मुझे तुम्हारे पास का जो थोड़ा खाना है वो दे सकते हो? मुझे बहुत दिन से अच्छा खाना नहीं मिला है। ये बात सुनकर लोमड़ी सोच में पड़ गया। लोमड़ी तो बहुत स्वार्थी था, तो उसने थोड़ा सोचकर सारस से कहा, अरे मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें तो मुझे धन्यवाद देने चाहिए, क्योंकि जब हड्डी निकालने के लिए तुमने तुम्हारी चोंच मेरे मुंह में डाल दी थी, तब मैं तो तुम्हें कच्चा चबा जा सकता था। हाँ, पर मैंने ऐसा नहीं किया, और शुक्र करो कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है। लोमड़ी की बात सुनकर सारस बहुत निराश हो गया और दुखी होकर वह लोमड़ी से बोला, दोस्ती कभी भी इस तरह से नहीं निभाई जाती, तुम तो पूरी तरह से स्वार्थी और तगड़े हो, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता। इस तरह से लोमड़ी ने उसके स्वार्थ की वजह से एक पुराना और सरदय मित्र खो दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिस किसी ने अपने कठिन समय में हमारी मदद की है, उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, न कि उसे कृतघ्न होकर निराश करना चाहिए।